हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडो वेस्ट किचन। आज हम इंडो वेस्ट किचन में बनाने जा रहे हैं एक खास तरह का मसाला। इस मसाले को आप एक बार बना लीजिए और 6 महीने भी रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। बाहर भी और फ्रिज में रखेंगे तो 1 साल भी खराब नहीं होगा। तो आज हम बनाएंगे सांभर मसाला। सब लोगों की शिकायत रहती है कि मार्केट का मसाला अच्छा नहीं होता है, सांभर मसाला साउथ का अच्छा होता है, तो मैं आपको साउथ स्टाइल में सांभर मसाला बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए हम गैस पर एक फ्राई पैन रखेंगे और उस ये सामग्री 100 ग्राम मसाले के लिए है लगभग। तो इसमें मैंने 50 ग्राम धनिया लिया है, साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून फुल मेथी, मेथी दाना साबुत, इसको भी डाल देंगे। 1 टेबल स्पून जीरा, इसको भी डाल देंगे। 1 टेबल स्पून राई, आपके पास राई नहीं है अगर तो आप काली सरसों भी डाल सकती हैं। गैस को सिम रखेंगे अभी। ये मैंने 1 चम्मच चना दाल और 1 चम्मच उड़द दाल ली है, इन दोनों को भी डाल देंगे। 1 चम्मच मैंने चावल लिए हैं, इससे सांभर पाउडर बहुत अच्छा बनता है और जब हम सांभर बनाते हैं तो गाढ़ी भी बहुत हो जाती है और टेस्ट भी अलग आएगा। 1 चम्मच हम चावल डाल देंगे। 6 से 10 मिर्च साबुत लाल मिर्च, ये भी डाल देंगे। 1 कप के आसपास हमने करी पत्ता लिया है, इसको भी डाल देंगे। अब हम इन सबको भूनेंगे। इसकी भूनने की पहचान ये है, जो हमारी चने की दाल है वो हल्की सी रोस्ट हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा और मसाले भी सूख जाएंगे। इसको भूनने में हमें करीब 3 से 4 मिनट लगेंगे। करी पत्ता अच्छे से भून जाना चाहिए। आवाज आनी शुरू हो गई है इसमें, इसको लगातार चलाते रहें और जले ना, इस बात का ध्यान रखें। मसाला हमारा बन चुका है, गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अभी हम इसमें 2-3 मसाले और डालेंगे। अब हम इसको सबसे पहले ठंडा कर लेते हैं। तो ये मसाला मैंने कटोरे में डालकर ठंडा कर लिया है। ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और मिक्सी के जार में हम ये वाला मसाला डाल देंगे। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच टेबल स्पून हल्दी डालेंगे फुल, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 आधा चम्मच आधा चम्मच हींग, 1 महीन पाउडर बनाएंगे, इसको हम पीस लेते हैं। तो अभी इन सब मसालों को हमने मिक्सी में बारीक पीस लिया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर भी कितना अच्छा आया है और ये हमने खुद बनाया है घर में, तो इसमें कोई मिलावट भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।